Hello guys and welcome. Today here I am bringing with a new topic, Warsaw Convention. So before we get into the discussion of today's topic, let us recall Chicago Convention and Open Sky Policy, in which we discuss the opening of routes for the international airlines, air freedom for aviation between the nations after the World War II, and open sky for travel industry and increasing the frequency of air travel. Okay, so let's come back to the Warsaw Convention. Start with its brief introduction. So Warsaw Convention, why we called it Warsaw Convention? Because it was held at Warsaw, and convention hota, it is an agreement between the nations. Okay, so it is an international convention for the unification of certain rules relating to the international carriage by air, which regulate liability for international carriage of person, luggage, good performed by the aircraft for the rewards. So simply isme ye kaha gaya ki agar airline dwara passenger ka luggage or goods kho jata hai, break ho jata hai, to एयरलाइंस को कंपनसेशन देना पड़ेगा उस पैसेंजर को. ये इसमें सिंपली कहा गया. इट वाज ओरिजिनली साइंड इन 1929 इन वारसा, बट मेनी टाइम इट वाज अमेंडेड, फर्स्ट इन 1955 एट हूज नीदरलैंड, एंड इन 1971 इन ग्वाटेमाला सिटी विच इज सिचुएटेड इन सेंट्रल अमेरिका. अगेन इन 1999 दिस वारसा कन्वेंशन वॉज कम्प्लीटली डिजोल्व इन टू अ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन. सो वी विल डिस्कस अबाउट द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इन द कमिंग स्लाइड. तो पहले हम ये देख लेते हैं वारसा कन्वेंशन. तो वारसा कन्वेंशन जो थी, इट वॉज फर्स्ट प्रपोज ऑन 17 अगस्त 1923 बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट. फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा कि डिफरेंट डिप्लोमेट्स की कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाए, जिसमें ये जो है ड्राफ्ट करेंगे इस कन्वेंशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को. सो फाइनली बिटवीन 27 अक्टूबर एंड 6 नवंबर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मेट इन पैरिस टू स्टडी द ड्राफ्ट कन्वेंशन. बट इसमें जो मोस्टली पार्टिसिपेंट्स है, दे वर द फ्रेंच गवर्नमेंट डिप्लोमेट्स. यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन राइज हुआ कि इसमें प्रोफेशनल कोई नहीं. तो फिर एक मीटिंग हेल्ड हुई, जिसके बीच में इट वाज एग्रीड यूनानिमसली दैट बॉडी ऑफ टेक्निकल लीगल एक्सपर्ट्स बी सेट अप टू स्टडी द ड्राफ्ट कन्वेंशन. तो ऐसा ही हुआ, उस एक टेक्निकल बॉडी बनाई गई जिसने इसके ड्राफ्ट को बनाया और इस ड्राफ्ट को सबमिट कर दिया इन डिप्लोमेट्स को. सो कन्वेंशन जो थी ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वर डिपॉजिटेड इन द आर्काइव ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पोलैंड, जो पोलैंड वारसा में डिपॉजिट किया गया. और अगेन 13 फेब को ये जो वारसा कन्वेंशन थी ये फोर्स में आई और ये ऑपरेट होना स्टार्ट हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और अप्लाई होना स्टार्ट हो गई जो लोग इसके मेंबर थे. अब क्या होता है कि जो वारसा कन्वेंशन है, इट वाज डिसॉल्व इन 1999 इनटू मॉन्ट्रियल कन्वेंशन. अब मॉन्ट्रियल जो यूएस में है, यहाँ पे एक अगेन एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द नेशंस, जिसमें ये हुआ कि वारसा जो कन्वेंशन सिस्टम उसको हम डिसॉल्व कर देते हैं और एक नया एस्टेब्लिश रूल करते हैं जो कॉमन होगा सब एयरलाइंस के लिए. रूल्स फॉर एयरलाइंस टू फॉलो द इंटरनेशनल फ्लाइट बिटवीन मेंबर साइनीज, जो भी इसके मेंबर्स होंगे साइनीज होंगे, ये उनके लिए कॉमन रूल होगा जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंदर सेट किया जाएगा. अब इस कन्वेंशन के अंदर कौन कौन लोग थे? एक तो इसके अंदर थी 133 पार्टीज, वो डिफरेंट एयरलाइंस थी और ट्रेवल ऑपरेटर्स थे. यूरोपियन यूनियन पूरी की पूरी थी, और 132 मेंबर स्टेट्स थे, जो किसके मेंबर थे? ICAO के. अब ICAO यहाँ बीच में कहाँ से आ गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन थी या वारसा बाद में जो वारसा कन्वेंशन के रूल्स बने, वो सारे के सारे किसने बनाना स्टार्ट किए? ICAO ने, क्योंकि यही एक रेगुलेटिंग बॉडी थी जो इंटरनल एविएशन को देखती थी और जिसमें एक्सपर्ट्स थे. ओके, तो ये सारे के सारे मेंबर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंदर आ गए. सो इसने क्या किया, इस कन्वेंशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था पैसेंजर राइट्स को बनाना. किस केसेस में? लॉस्ट लगेज में, फ्लाइट डिले में, कैंसिलेशन में, एज वेल एज इंजरीज में, और अगर डेथ केस भी हो जाता है, इन सब केसेस में पैसेंजर राइट का राइट के द्वारा एक कंपनसेशन जो है एयरलाइंस के द्वारा इनको दिया जाएगा, ये राइट बनाया गया. तो इसको ये कॉमन सेटअप रूल था इंटरनेशनल कैरेज ऑफ पैसेंजर लगेज एंड कार्गो. अब इस प्रोविजन के अंदर कुछ कन्वेंशन इंक्लूड किए गए, वो हम देख लेते हैं वो क्या थे. सबसे जो पहला था वो ये था कि इंक्रीज लाइबिलिटी लिमिट्स ऑन द इवेंट ऑफ द डिले. जितना एयरलाइन डिले करेगी उस कंपनसेशन को देने में, उतना लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी किस पे? एयरलाइंस पे. दूसरा इसने कहा कि देर शुड बी एन एडवांस पेमेंट टू मीट इमीडिएट नीड इन केस ऑफ इंजरी. अगर इंजरी होती है पर्सन को, उस केस में इमीडिएट एयरलाइंस को उसको पे करना है, या कोई उसकी एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो उसके लाइफ से जुड़ी थी, वो अगर खो जाती है, ब्रेक हो जाती है ड्यू टू एयरलाइंस नेग्लिजेंसी, तब उसको इमीडिएट पे करना पड़ेगा. तीसरा इसने कहा, क्योंकि हमने ये कहा कि इंजरी के केस में और डेथ के केस में एयरलाइंस शुड हैव टू पे अ कंपनसेशन टू दैट पर्सन, सो इट बिकम एन ऑब्लिगेशन फॉर एयर करियर टू मेंटेन एडवोकेट इंश्योरेंस. तो यहाँ पे एयरलाइंस को एयरलाइंस इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ेगा, ताकि इन केस ऑफ इंजरी वो कंपनी कंपनसेशन दे सके.
फोर्थ में इसने ये कहा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज इन द इवेंट ऑफ डिले सॉरी इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंजरी ऑफ द पर्सन। डेथ के केसेस में अनलिमिटेड मतलब बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा एज अ कंपनसेशन टू दैट पर्सन। और इंजरी के केस में भी डिपेंड करेगा इंजरी कितनी बड़ी है वो उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद एक और चेंज आई इस कन्वेंशन में जो ये कहा गया कि वी विल यूज अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। जो हमारा पहले मैनुअली काम होता था जैसे हम हाथ से एंट्री करते थे एयरलाइंस बिल पे और टिकट भी जो थी लीफलेट की दोबारा वो कॉपी थी जो हम प्रोवाइड करते थे, अब वो नहीं होगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक सारा करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की द्वारा से ये सारा चेंज हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मेल टिकट्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल में। जैसे आज आप एयरलाइंस घर बैठे बैठे बुक एयरलाइंस की टिकट घर बैठे बैठे बुक कर लेते हो और अपने प्रिंट आउट से एक ले लेते हो इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक जो है एयर टिकट्स प्रोवाइड करेंगे हर एयरलाइंस। मतलब चेंज आई एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आई। और तीसरा इसने कहा इस मॉडल कन्वेंशन ने कहा जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एयरलाइंस है और जो एक्चुअल एयरलाइंस है वो अपने रूल्स को जो है वो बिल्कुल रूल्स और उनकी लाइबिलिटीज क्या है वो उनको डिफाइन करें, क्योंकि सम टाइम एक्चुअल करियर्स ड्यू टू सम टेक्निकल डिफॉल्ट्स वो शिफ्ट करती है अपने पैसेंजर को कार्गो को कॉन्ट्रेक्चुअल जो है करियर्स पे। तो अब यहाँ डिफाइन करना होगा कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल जो करियर है उससे कोई चूक हो जाती है या उसको उससे कोई भूल हो जाती है जिसमें लगेज लॉस हो जाता है टूट जाता है या कोई जो ट्रेवलर्स हैं उनको कोई चोट पहुंचती है तो कौन पे करेगा, क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल करियर्स करेंगे या एक्चुअल करियर्स करेंगे। तो ये इस मॉडल कन्वेंशन का डिफाइन करो। इसके बाद ऐसा ही एक रूल थोड़ा सा जो यूरोपियन यूनियन में बनाया गया था जिसको हम कहते हैं EU 261। अब ये EU 261 क्या है ये देख लेते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और EU 26 के बीच में क्या था। वो ये था बेसिकली डिफरेंस नहीं था, दोनों का मकसद एक ही था टू प्रोटेक्ट द पैसेंजर राइट एंड सेट रूल्स फॉर लिमिटेड टू एयर कैरियर लाइबिलिटीज। दोनों का सेम रूल था। अब इसमें इनने ये कहा कि EU में यूरोपियन यूनियन ने जो 261 बनाया उसमें ये कहा कंपनसेशन दी जाएगी पैसेंजर को इन केस ऑफ लाइट डिले कैंसिलेशन और डिनाई बोर्डिंग। सो इसमें कंपनसेशन किन केसेस में दी जाएगी, अगर तो वो पैसेंजर यूरोप की किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट से ट्रेवल कर रहा है और फ्लाइट डिले हो जाती है या कैंसिल हो जाती है तो उसको एयरलाइंस को लाइबिलिटी एयरलाइंस पे है और एयरलाइंस को उसको कंपनसेशन देना है। दूसरा अगर वो पर्सन यूरोपियन कंट्री की तरफ आ रहा है किसी और कंट्री से और कौन सी एयरलाइन को यूज कर रहा है जो यूरोपियन बेस्ड एयरलाइंस है, मतलब यूरोप की किसी भी कंट्री की एयरलाइंस अगर किसी और कंट्री से आ रही है और वो पर्सन भी उस कंट्री से यूरोप की तरफ आ रहा है तो उसमें भी अगर फ्लाइट डिले हो जाती है तो तब भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। और बाकी रूल्स जो थे वो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के थे, सिर्फ कंपनसेशन का इसने डिवाइन अच्छे से किया इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ एडिशन क्या थी। ए अगर फ्लाइट 2 घंटे डिले होती है तो आपको 250 पाउंड उस जो है वो ट्रेवलर्स को देने पड़ेंगे, अगर 3 घंटे डिले होती है तो 400 पाउंड, और 3 या 4 घंटे से ज्यादा होती है तो 600 पाउंड यू हैव टू पे एज अ कंपनसेशन। अब इंडिया का देखते हैं कि इंडिया का मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के साथ क्या लाइजन था और क्या इसके कॉपरेशन था। इंडिया 91st कंट्री बनी किसकी, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के पार्ट की। डीजी जनरल जो हमारे सिविल एविएशन के हैं उनने एक डिपॉजिट किया विद आईसीईओ ऑन मई 2009 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन टू कन्वेंशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ सर्टन रूल्स फॉर इंटरनेशनल करियर बाय एयर डन एट मॉन्ट्रियल ऑन 28th of May 1999 एंड बिकम इंडिया फॉर एंड बिकम इफेक्टिव फॉर इंडिया 30 जून 2009। तो इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइन किया आईसीईओ के साथ 1 मई 2009 को, और ये कहा कि जो मॉन्ट्रियल के 28 मई 1999 में जो रूल्स बने थे हम चाहते हैं वहां पे अप्लाई हो और ये फिर 30 जून 2009 से लागू होना स्टार्ट हो गए। इस कंसर्न में इस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के 99 रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसको हम खारिज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट 2009 कहते हैं। अब इस एक्ट में सारे के सारे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के रूल्स जो हैं वो फॉलो हुए, और थोड़ा सा हम इस पे प्री देख लेते हैं इसमें और क्या ऐड हुआ। इसने कहा कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन विल अप्लाई टू ऑल इंटरनेशनल कार्गो ऑफ द पर्सन करेज ऑफ द पर्सन बैगेज और कार्गो परफॉर्म बाय एयरक्राफ्ट फॉर द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड दिया जाएगा इंडिया के द्वारा भी अगर कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेट करती है। दूसरा इसने कहा कि सिंस इंडिया इंडिया कैरियर आर ऑपरेटिंग टू मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, इंडिया की भी एयरलाइंस जो बाकी कंट्रीज में कम जो है ऑपरेट करती हैं सो ये रिक्वायरमेंट बन जाती है इंडिया के लिए, देयरफॉर दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड इंश्योरेंस एंड पे हायर प्रीमियम, कि इसको भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। तीसरा इन केस ऑफ डेथ अगर हो जाती है तो इंडिया
एयरलाइंस हैव टू पे अराउंड 1 लाख SDR विच इज इक्वल टू 10 करोड़ 50 लाख रुपीज ऑफ इंडियन रुपी, और इन केस ऑफ इंजरी ऑफ अ पैसेंजर एयरलाइंस हैव टू पे, द करियर शैल टेक शैल मेक एडवांस पेमेंट विदाउट डिले, एडवांस पेमेंट करेगी, जितना ज्यादा डिले करेगी कंपनसेशन चार्जेस बढ़ेंगे, और एनी एक्शन ऑफ डैमेज शैल बी ब्रॉट विद इन 2 ईयर्स, कोई भी अगर एक्शन डैमेज का सामने आता है तो 2 साल के अंदर इसको प्रोवाइड करना। उसके अलावा जितने भी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के हमने रूल्स पढ़े हैं वो सारे के सारे द करेज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट 2009 के अंदर फॉलो होंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वेरी सून आई विल कम विद अ न्यू वीडियो। सो स्टे हैप्पी एंड सेफ। थैंक यू।